ट्वेल्थ की परीक्षा के बाद छात्रों को सबसे मुश्किल परीक्षा से गुजरना पड़ता है। परिणाम आने के बाद छात्रों का काफी समय कंफ्यूजन में निकल जाता है कि आगे की पढ़ाई किस स्ट्रीम से करनी चाहिए। तो इस समय पर फैसला सोच समझ कर लेना होता है, क्योंकि ये फैसला छात्रों का फ्यूचर भी डिसाइड करता है। तो आखिर कैसे करें स्ट्रीम का चयन, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है 10th 12th के बाद कैसे करें स्ट्रीम का चयन। तो छात्र के बोर्ड परीक्षा पास करते ही उसके करीबी तय करने लग जाते हैं कि आखिर उसे क्या लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, लेकिन उसके लिए बेस्ट क्या है और उसका मन किस में लगेगा, ये बात परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से समझ आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में छात्र को खुद से एनालाइज करना चाहिए कि वो आखिर क्या करना चाहता है। उसे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को माइंड में रखकर ही ऐसा फैसला लेना चाहिए। साथ ही बड़ों को भी अपनी मर्जी बच्चों पर थोपनी नहीं चाहिए। सही स्ट्रीम का चयन करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है। विषयों का चुनाव करते समय और कॉलेज का चुनाव करते समय आप ये ध्यान बिल्कुल ना दें कि आपके दोस्त क्या ले रहे हैं, कॉलेज दूर है या पास है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये ध्यान दें कि आपके लिए भविष्य किस विषय में है, आप कौन सा विषय अच्छे से पढ़ सकते हैं, कॉलेज अच्छा है या नहीं है, वहाँ आपको कौन से अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपको अच्छी राह दिखा सके। तो पहले तो ये अच्छे से समझ लें कि आपकी रुचि किस विषय में है और आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। इसलिए छात्र को केवल उसी स्ट्रीम का चयन करना चाहिए जिससे वो कनेक्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के शौकीन हैं और आप इसे अधिक बार कर सकते हैं, तो या तो आप साइंस स्ट्रीम चूज करें या कॉमर्स स्ट्रीम चूज करें, तो ये आपको सिलेक्शन ऐसे करना चाहिए। तो अपना इंटरेस्ट फील्ड को चेक करने के बाद छात्रों को अपना इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को मैच करके देखना चाहिए। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स का झुकाव साइंस की ओर होता है, लेकिन उनका स्कोर कार्ड सोशल स्टडीज में हाईएस्ट स्कोर को दर्शाता है, इसीलिए उनके लिए साइंस की बजाय ह्यूमैनिटीज का चयन करना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। तो अक्सर ज्यादातर छात्र ये सोचते हैं कि कॉमर्स और साइंस में आगे काफी स्कोप है, लेकिन आर्ट्स में स्कोप नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्ट्रीम चाहे कोई भी लें, फ्यूचर हर स्ट्रीम में है। इसीलिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस विषय को पढ़ना ठीक होगा, इसके लिए अपने टीचर्स या दोस्तों से एक बार जरूर बात कर लें। तो प्लानिंग वर्तमान के आधार पर जरूर करें, लेकिन लक्ष्य भविष्य को देखते हुए ही जरूर करना चाहिए। यानी कि आप जो पढ़ना चाहते हैं, भविष्य में उस सेक्टर में जॉब की डिमांड कैसी रहेगी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मसलन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बढ़ी है। अगले 5 साल या उसके बाद के वर्षों में इस क्षेत्र में जॉब देने वाली कंपनीज की संख्या उसी अनुपात में बढ़ेगी जैसे इंडिया के आईटी हब बनने के दौरान हुआ था। इसीलिए भविष्य को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप करियर काउंसलिंग की मदद ले सकते हैं। उनसे बात करके डिसाइड करें कि आप फ्यूचर के लिए आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।